नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो आज का वीडियो मैं दोस्तों कमेंट पर लेकर आया हूँ। एक भाई ने मेरी वीडियो में कमेंट किया था कि 1555 IC पर फ्लैशर बनाकर दिखाओ, तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसमें 555 IC का यूज किया है। ये मुझे 20 रुपये की नई मिली थी। ये 20 रुपये की ये इन्वर्टर की शॉप पर मिलेगी, इन्वर्टर स्टेबलाइजर की पर। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे देख सकते हो, इसकी पहचान कैसे करें। इसमें ये देखिए, जिधर ये छेद है ना, ये छोटा सा छेद, वहाँ से इसकी आईसी की पिन नंबर 1 2 3 4 और फिर इधर साइड शुरू हो जाएगी 5 6 7 8। ठीक है, आप देख भी रहे हो यहाँ पर, ये इस आईसी की पूरी मैंने आपको दिखा दिया है इस आईसी के बारे में। ठीक है, तो अब हमें इसे कैसे बनाना है, मैं इसका पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको इसमें सबसे पहले 1 kΩ के 2 रेजिस्टेंस लगाने होंगे, 1 kΩ। ठीक है, पिन नंबर 8 और 7 और 7 और 6। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो मैं लगा लूंगा 1 kΩ के लगाने। इस तरीके से और मैं वीडियो को पुश कर लूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके पिन नंबर 6 7 8 में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं और मैं अब कैपेसिटर कनेक्ट कर रहा हूँ पिन नंबर 1 और 2 में। जो पिन नंबर 1 है उसको आपको माइनस साइड लगाना है और पिन नंबर 2 को पॉजिटिव साइड। ठीक है, इस तरह से मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया और अब हमको इसमें जम्पर वायर लगाने, पिन नंबर 4 और 8 को एक साथ कनेक्ट कर देना है। इस तरह के जम्पर वायर से आप कोई भी वायर यूज कर लेना। ठीक है, पिन नंबर 8 और 4। ठीक है दोस्तों, ये पिन नंबर 4 में कनेक्ट हो गया और यहाँ मैं 8 में कनेक्ट कर दूंगा रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, इसे बनाना काफी आसान है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो पिन नंबर 2 यानी कैपेसिटर का पॉजिटिव ये छूट गया, मैं इसे दोबारा लगा दूंगा और पिन नंबर 6 यानी रेजिस्टेंस पे ही लगेगा ये भी, और ये कैपेसिटर हट गया है, मैं इसे लगा दूंगा। दोस्तों ये मेरे पास एक 3 वोल्टेज की LED और मैंने इसके नेगेटिव साइड में, LED के नेगेटिव साइड में 2.2 ओम का एक रेजिस्टेंस ऐड कर लिया है। वो इसलिए कि हम इस सर्किट को 5 या 6 वोल्टेज से चेक करेंगे तो ये खराब ना हो, उसके लिए। तो हमें इसका जो पिन नंबर 4 है IC का, उस साइड हमें पॉजिटिव लगाना है LED का और पिन नंबर 3 पर नेगेटिव लगाना है। तो ठीक है, मैं लगा लूंगा दोस्तों। इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, मैं सबके कमेंट्स को पढ़ता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है दोस्तों, चैनल जितने भी नए दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें। ये मेरे पास 5 वोल्टेज की सप्लाई है, इसका ये ऑरेंज कलर का जो वायर है ये पॉजिटिव है, ग्रीन नेगेटिव है। तो हमको पॉजिटिव को पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करना है और नेगेटिव को पिन नंबर 1 के साथ। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो में आपको कोई गलती नजर आए तो प्लीज यार बता देना, मैं उस गलती को सुधार जरूर करूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई आपसे ये गलती हुई है, मैं जरूर उस पर ध्यान दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा सर्किट पूरी तरह कंप्लीट है और हम अब इसे कर रहे हैं टेस्ट। तो मैं इसे अब देखिए टेस्ट पर लगा दिया और ये देखिए हमारा सर्किट काम करने लग गया।
आप इससे कई सारे फ्लैशर इसमें रिले का यूज करके भी बना सकते हैं। मैंने उसका वीडियो बहुत पहले बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब इसको अंधेरे में टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको ये कैसे लगेगा। ये देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है अंधेरे में ब्लिंक करता हुआ। अगर आपको इसका टाइम चेंज करना है तो आप इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा के इसका टाइम चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटा के इसका टाइम कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और शेयर करना ही करना है, सभी को दिखाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।